जो चीज समझ में ना आए, आपको लगता है कि 2% या 1% समझ में नहीं आई, तो उसे आप सोचो कि मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है। बिना समझे कोई हाँ नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूं, ठीक है। कोई चीज अगर आपको 2% या 1% भी डाउट लगता है कि मुझे चीज समझ में नहीं आई, आप 100 बार पूछो, 100 बार बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे हमारा जो पॉइंट होता है यहां पर, जैसे ये बस्ट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, तो यहां से कितना मेजरमेंट होता है इसका, 4 इंची। अगर यही हमारा बेस्ट पे जो पोजीशन है कितना आ जाता है बताओ, तुम बताओ। बेस्ट पे जो अगर हम डार्ट डालेंगे ऐसे, तो इसका प्लेसमेंट क्या रहता है पंकज? जैसे मान लो हमारी डमी है बनी हुई, 3.25 इंची, ठीक है, ये किस में आ गया, फ्रंट में। तो 3.25 + 3.25 कितना हो जाएगा, 6.5 इंची, ठीक है, नॉर्मली हो गया आपका 6.5 इंची। बैक वाला आपको बनाना है तो इससे 2 सूत माइनस कर दो बस, ठीक है। ये एक जब प्रिंसेस सीम वगैरह बनाओगे तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी होगी, ठीक। अगर जब आप डार्ट डाल रहे हो, जैसे प्रिंसेस सीम नहीं बना रहे हो, जब आप इधर देखो, जब प्रिंसेस सीम बना रहे हो तो ये चीजें फॉलो करनी है 3.25 वाली, ठीक है। और जब आप डार्ट डाल रहे हो तो आपको ये देखना है यहां से और यहाँ के बीच का फैब्रिक है, वहीं डार्ट डाल रहे हो, ठीक है, उसमें, हाँ उसमें सेंटर में चलता है, उसमें जरूरत नहीं पड़ती। प्रिंसेस सीम को क्या आपको बिठाना होता है फिगर पे एकदम, तो इसलिए उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। 1 इंची का आपस में, 1 इंची का रख लो, आधा इंची का रख लो, कम से कम आधा इंची का डिस्टेंस रखो आपस में, ठीक है। फिर आप डब डाट डालोगे दोनों का, यहां से लो, फिर एक गैपिंग बना लो, एक हिस्सा डाल दो, एक हिस्सा डाल दो, ठीक प्रिंसेस है। सीम में जवाब तीन ही रहेगा प्रिंसेस सीम में वो मेथड ही जो ही चलता है, वो सेंटर में, हाँ ये सवाल नहीं, ये अगर ड्रॉप काम लगा के जरूरत है तो गार्डन में डिजाइन से काफी साफ हाँ पता जाता है, और इतना जवाब तीन पे ऐसा यूज करके तो गलत हो जाता है। हाँ मतलब ये जो जैसे प्रिंसेस सीम क्या है, प्रिंसेस सीम आपकी मांगती है एक्यूरेट शेप। जैसे मान लो यहाँ आ गई प्रिंसेस सीम आपकी, तो यहाँ एक मेजरमेंट है उसका, या यहाँ आ गई आपकी तो उसका एक मेजरमेंट है कि यहाँ पे कितने छू के जाएगी, यहाँ पॉइंट कितना छुएगा। और कोई डार्ट वगैरह, जैसे प्रिंसेस सीम आपकी 4 पे यहाँ आती है सेंटर से, और डार्ट वगैरह डालते हो तो आपकी डार्ट यहीं खत्म हो जाती है 1 इंच पहले ही, क्योंकि पॉइंट पे इसीलिए खत्म नहीं करते कि पॉइंट और बनाते हो तो सामने से देखने में गंदी गंदी लगेगी। के साइकिल में 2.5 इंच के अंडर में ही काट कर लीजिए, हाँ जी, जो साइड डार्ट है वो इसके अंदर आके खुले, ठीक है, 2.5 इंच के साइकिल हाँ। में। और जो बस्ट पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एपेक्स पॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, एपेक्स पॉइंट, ठीक है, इसको एपेक्स पॉइंट इसको ही बोलते हैं। जैसे यहाँ आ गया तो ये पॉइंट है, इसको ही बोल देते हैं गारमेंट में, ठीक है। तो एपेक्स पॉइंट से कम 1 इंची की डिस्टेंस रखो, कितना रखना है, 1 इंच डिस्टेंस हटा के रखो ताकि उसको इफेक्ट मिले। बेस्ट वाला, बेस्ट बेस्ट वाला वाला तो आप थोड़ा दूर भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उतना, हाँ। बेस्ट का टारगेट है सिर्फ बेस्ट पे, बस्ट का टारगेट रहता है उसको बस्ट की तरफ, तो आप ये रखो बेस्ट वाला बनाते हो तो इससे ऊपर ना जाए, इसके अंदर ही नीचे रखो, ठीक है। तो बेस्ट का क्या, आप यहाँ खत्म कर दो, जैसे कि आपने मान लो यहाँ खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने थोड़ा बड़ा भी कर दिया तब भी कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर आपने इधर छेड़ दिया तो फर्क पड़ गया, ठीक है, रोमिंग में नहीं जाना है। और बताओ क्या समझ में नहीं आया, समझ में आ गया? सर, ये जो हार्मोन से जुड़नी, ये जो सर हार्मोन पे जैसे आप डाट डाले उसके नीचे, सर ये नीचे वाला मतलब कहाँ तक जैसे डालने के बस। साइड डार्ट, हाँ ये साइड डाट, हाँ देख लो, जैसे कि जैसे हम ये साइड डार्ट डाल रहे हैं यहां पे, बना दो किस केस में, नहीं समझ में आ रहा है, जिस जिसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो बैठ जाए। जैसे ये आपका हो गया बस्ट पॉइंट, ठीक है, तो हमारा जैसे हमने मान लो बस्ट बनाए, ये हमारा पॉइंट है, अगर हमें अब डार्ट डाल रहे हैं तो डार्ट आप कितनी क्रॉस कर सकते हो, डार्ट जो है आपने देखा होगा कभी तिरछी आपको ऐसे ही मिल जाएगी और सीधी भी मिल जाएगी, सीधी का भी रेयर केस है, सीधी को अभी अवॉइड करोगे आप, अभी नहीं डालोगे, आपको एक क्रॉस ये भी मिल जाएगी, ठीक है, और दिखा देता हूँ ऐसे ही मिल जाएगी, ज्यादा क्रॉस भी मिल जाएगी, तो आप कैसे पता करोगे मुझे कितना क्रॉस रखना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। हमारा तो क्वेश्चन एकदम नए से चलना चाहिए, कि हमें ये नहीं हुआ कि उसका कॉपी करो उसको कर लो, आपको क्या रखना है, जैसे ये सीधी लाइन है ये कितने पे होती है, 10 इंची पे, आप 10.5 से चालू करो, ठीक है, या 11.25 से चालू करो, आप नीचे चले जाओ, ठीक है, तो इससे आप चलोगे तो ये तिरछा हो गया, ठीक है, उसके बाद डाट का और वो डाल दो अपना मेजरमेंट जितनी आपको चाहिए, जितनी डाट क्रॉस होगी
जितनी डाट आप नीचे करो, 6 सूत्र नीचे करोगे उतना फैब्रिक ज्यादा उठाएगी। आपने देखा होगा बस्ट वगैरह जो लड़कियों में देखोगे, किसी में जैसे क्या है बड़े होते हैं, किसी में छोटे भी होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक मॉडल के लिए काम करते हैं। जैसे बड़े साइज के जब पीस बनते हैं तो उसमें देखा होगा आपने डाट क्रॉस भी चली जाती है, सीध भी चली जाती है। तो जितनी ज्यादा क्रॉस डाट होगी उतना फैब्रिक स्ट्रेच हो जाता है। अगर 22, हाँ 22 का अगर फैब्रिक मान लो, जैसे सीधा फैब्रिक है, अगर इसको ऐसे एचो को तो नहीं खींचेगा, ऐसे खींचोगे नहीं, अगर जस्ट इसको आप ऐसे खींच दो तो ये बढ़ जाएगा, 22 में फैब्रिक बढ़ जाता है। तो डाट का भी कोई पोजिशन होता है, अगर हमारी क्रॉस में हो जाए तो बढ़ जाती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? और बताओ किसी क्वेश्चन, खड़े होके ठीक है, हाँ मतलब 10 पे होगा तो बॉडी भी हमारी क्या बोलते हैं नीचे ही होगी, नीचे होगी ना। हाँ लेकिन जो बस्ट अप तो वही उस पॉइंट पर रहेगी ना, नहीं वो डिपेंड करेगा आपके साइज में, कि आपके जो जैसे आप मान लो फैशन, जैसे कुछ स्मॉल साइज में ही मान लो जैसे 12.5 पे रहती है, उसी में आर्मोल नीचे चले जाते हैं। जिसमें आर्मोल नीचे चले गए तो उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो साइड से फैब्रिक खींच लेगी। तो वो जो बल्क डालेंगे वो 12.5 के से ऊपर ऊपर डालेंगे या उससे नीचे डाल सकते हैं? नीचे नीचे। हाँ अब उसमें डार्ट कौन सी डालना चाह रहे हो, या बेस्ट वाली डालना चाह रहे हो, साइड वाली? साइड वाली। जब मान लो आपका जैसे 10 इंची है यहाँ पे, ये आ गया ठीक है, यहाँ आ गया, तो आप डार्ट फिर भी वही डालो, अभी आपका कोई दिक्कत नहीं, डार्ट का जो पोजिशन वही डालो। अब जब आर्मोल अगर लूज होगा, जनरली अगर आर्मोल लूज होता है तो गारमेंट भी आपका लूज रहता है, नेचुरल जो वो है कि आपका अगर आर्मोल बॉडी का लूज है तो गारमेंट फिट नहीं होगा, आपका गारमेंट लूज होगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें डालने की। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें क्वेश्चन आता है आपका क्या का, प्रिंस सीम का, ठीक है। तो प्रिंस सीम के लिए आप क्यों चाहे यहां से डाट डाल दो, कोई फर्क नहीं, वो तो बंद करनी है हमें, ठीक है। मतलब जैसे आर्मोल लूज हो गया, आपको पता है कि यहां डाट नहीं डाल सकते, तो सेकंड ऑप्शन क्या बताया था इसका, ये प्रिंस सीम। नहीं वो बस्ट पे आती है, अंडर बस्ट में ही चलती है, ये जो डाट है साइड वाली बस्ट पे ही आती है। नहीं 12.5 पे नहीं, ये अभी तो बताया था, हाँ नीचे भी हो सकता है और कम भी। ये आपका जैसे 10 इंची पे है यहाँ पे, ये पॉइंट आपका एचपीएस से कितने पे आया, 10 पे आया। तो यहाँ से आपको मान लो 6 सूत का जैसे आपने बैरिसर रखा, ठीक है, आप इसे ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका आर्मोली यहाँ तक है और डाट का पॉइंट यहाँ पे गंदी लगेगी, तो आप क्यों, आप क्यों डाल रहे हैं? अगर फिर जैसे इस टाइप के गारमेंट में आया तो प्रिंस सीम होगी, फिट होगा, तो नहीं तो आपका लूज रहता है गारमेंट, लूजिंग रहेगी, उससे कर सकते हैं कवर, ठीक है। और बताओ सर, एक तो प्रिंस सीम डालते हैं आर्मोल से, और हमें आर्मोल से चाहिए नहीं, और शोल्डर से चाहिए, तो शोल्डर के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है। प्रिंस पे पॉइंट आया है तो कुछ ले लेते हैं, जैसे ये प्रिंस सीम हम जब बनाते हैं, जैसे दोनों हैं ठीक है, तो ये दोनों का हाफ हो जाता है, ठीक है। हाफ कितना रहता है, डमी का, ना कि आपको पता चली नेक में 8 है, डमी से हटी हुई है ऑलरेडी, उसके बाद अगर हम हाफ ले रहे हैं तो गलत होगा, ठीक है। शोल्डर कितना होता है आपका, हाँ 4.25 होता है नॉर्मली, ठीक है। तो आपको ये पहले ये ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर जो है इधर कितना है, कहीं ड्रॉप शोल्डर तो नहीं है, ठीक है। और पता चले कि नेक ब्रेथ आपकी उधर तोड़ी निकल रही है, आपको ये ध्यान रखना कि यहां से सेंटर से गले से कितना चलता है, सेंटर से कितना चलता है, करीब 5 इंची एक सूट के लगभग आएगा यहां से गला, ठीक है। क्योंकि सेंटर नहीं बदल सकता, जो बॉडी का है नेक ब्रेथ, चाहे 10 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर सेंटर नहीं बदल सकता। तो आप एक सेंटर पर लाइन ले लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो इसकी फुल लेंथ है यहाँ पे नेक तक, अब मान लो गला इसका यहाँ आ गया, ये आ गया, और शोल्डर की तरफ इतना है, तो हम इसका और इसका सेंटर नहीं लेंगे, हम फिर सेंटर पर पहुंच जाएंगे अपने यहाँ से लो, कि एक लंबाई क्या होती है यहाँ पर, कट जो क्या होता है, क्योंकि उसने गारमेंट जो है उसने खिसका दिया इधर को, जो गारमेंट की टेक्निकल पोजिशन है वो तो वहीं रहेंगी, ठीक है। तो उस चीज में हमारा जो नॉर्मल रहता है, अगर आपका पूरा गला है तो आपका फिर सेंटर से एक आसूद इधर बढ़ा दो, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे बैक में अगर हम राउंड कर लेते हैं, जैसे फ्रंट में राउंड कर लेते हैं, जैसे ये राउंड घूम जाता है, आपने देखा होगा बैक का भी पैनल राउंड रहता है, बैक का भी राउंड रहता है ना, उसको कैसे बनाते हैं प्रिंस सीम? उसके लिए क्या है, हम एक डार्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, करीब मान लो आधा इंची फैब्रिक
यहां क्रिएट करेंगे शोल्डर पे, ठीक। वो जाएगा आपका ऐसे, आपका यह आ जाएगा आपका एक्रॉस से, एक्रॉस के अप्रोक्स में लगवा आ जाता है, हाँ 5.5-6 पे लगवा एक्रॉस पे आ जाता है, यहां रहता है, ठीक। और बाकी जो नॉर्मल डार्ट है आपकी वो बनती है, ये आप डार्ट डाल के ऐड करोगे तब प्रिंसेसी बनेगी आपकी बैक में, बैक में हाँ डार्ट डली होती है ऑलरेडी, नहीं है तो आपको फैब्रिक बढ़ाना होगा, समझ पाया। अगर नहीं है तो फैब्रिक जैसे कि ये है, मान लो सपोज करो आपका जैसे ये है फैब्रिक, ठीक है। अब आपको इसमें बैक में डार्ट डालनी है, ठीक, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपका काम है कि आपको डार्ट क्रिएट करनी होगी, ठीक है। यहां पे जो है डार्ट क्रिएट करनी होगी, आधा इंची कम से कम फैब्रिक प्लस चलेगा आपका, आधा इंची ले लो या 3 सूत ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको यहाँ फैब्रिक प्लस करोगे तो यहाँ पे ऐसे इस टाइप के कुछ कट हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप का आपका कट आ जाएगा। ये कट जो है आपका एक्रॉस तक जाएगा, यहां तक इफेक्ट इसका, ठीक है। और ये आपका हो गया ये, ठीक है। तो आप जब बनाओगे तो आपको एक राउंड सा नजर आएगा, बेसिकली हमने राउंड क्रिएट किया है। यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर आप डार्ट डाल दो और बन जाए, डार्ट डाल दे और बन जाए, यहां तक चीजें क्लियर है। कुछ सर बताओ आगे। तो फ्रंट में भी शोल्डर पे डार्ट डालेंगे या नहीं, ये वाली नीड नहीं होती है उसमें, हाँ नहीं शोल्डर पे नीड नहीं होती है, क्योंकि साइड डार्ट क्लोज करते अपने आप हो जाती है, जरूरत पड़ेगी तो डाल सकते हो। अगर बड़ी डार्ट उठाना हो तो आप शोल्डर पर डार्ट डाल के ये वाली तब बना सकते हो, क्योंकि वो फिर साइड वाली और दबेगी तो फिर और इफेक्ट कर देगी आपका। और बताओ तो डलनी है सर। हाँ बैक में तो डलनी है, जरूरत नहीं है, नहीं क्योंकि बैक का क्या आर्मोल फलकता नहीं है, फ्रंट का आपने आर्मोल देखा होगा फलक जाता है। आर्मोल कवर कहाँ से होता है, जब हम साइड डार्ट डालते हैं, ये साइड डार्ट तो फैब्रिक बढ़ाते हैं हम ऊपर, तो देखो इसका राउंड कवर हो गया, और हाँ और बैक में ऐसा कुछ नहीं होता कि बैक का आर्मोल आपका फलक रहा है, ठीक है। नोट कर लोगे सारी चीजों को, आप बताओ क्वेश्चन बताओ, उस पर क्या चीज समझ में नहीं आई हुई, आउटपुट जितना बताया जा रहा है उससे प्लस रहना चाहिए। नहीं उतना नहीं होता, एका सूत का ही फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आर्मोल तो आप उतना ही मीट करोगे ना, ये जो है आपका थोड़ा ऐसा हो जाता है, हल्का इफेक्ट मिलता है इसमें, ये जो इसी लेवल पर रहेगा इस पे लेवल पर, ये इसमें हाँ थोड़ा मतलब यहाँ से अगर जुड़ेगा तो यहाँ पे बराबर तो रहना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्ट नहीं तो ये क्या छोटे बड़े हो जाएंगे, तो ये थोड़ा बराबर करके तब चलता है ऐसे, आर्मोल में कोई फर्क नहीं आता, हल्का बहुत आधा सूत का आ सकता है। आगे बताओ। नहीं अभी तो क्वेश्चन ही पूछा था, हाँ उसमें जरूरत नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे डार्ट हैवी डालनी है, आप लगता है मुझे साइड में जो डार्ट डाल रहा हूँ 1 इंची डालू और थोड़ा और इफेक्टिव बनाऊं, तो आप यहाँ पे आधा इंची की डार्ट क्रिएट करो यहाँ पे और इसे बंद करोगे तो और फैब्रिक उठेगा आपका, हाँ वही मेथड वही होता बस्ट वाला। बताओ कोई क्वेश्चन, मतलब जो चीज आपने पढ़ी है उस पर कोई क्वेरी तो नहीं है। हाँ गुम उसको बोलते हैं, हिडन डार्ट बोल दो या गुम बोल दो, उसमें क्या वो इजी है, वो आपको बताया जाएगा। उसको क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली क्या है डार्ट ऐसे दिखा देते हैं, अब बाहर जो क्या है नहीं लेते, कहते से मन दिखाओ, पर ब्लाउज वगैरह उसमें देखोगे तो आपको अभी भी दिखेगी, ठीक है। तो इसका एक अलग मेथड है, ठीक है। तो इसका क्या चलता है, इसकी जो पूरी साइड होती है, आधा इंची उठा दो आप, खिसका के पूरी ऐसे कर दो, जैसे ये आ गई आपकी साइड, ठीक है, और यहां से जो नीचे से साइड है वो कम हो जाएगी आपके, ऐसे जितनी ऊपर उठेगी उतनी नीचे कम हो जाएगी, इतना पूरा साइड का एरिया ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो आर्मोल कम हो गया, साइड की लंबाई उतनी है। अगर आपने मान लो ऊपर से उठा दिया नीचे से कम नहीं किया तो लंबाई साइड की बढ़ जाएगी, ठीक है। और बताओ कौन सी वाली बैक में, ये क्या है, हमें बॉडी क्या है हमारी झुकाव मानती है, हम जब गारमेंट बनाते हैं जैसे टी शर्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं होती है, जब हम कोई कट यहाँ लगा देते हैं तो बॉडी हमारी आगे को देखो झुकाव मानती है, तो हम हमारा काम होता है प्रिंसेसी हमारी बैठनी चाहिए, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये है,
दूसरा क्या है, प्रिंसेसियम डालने के लिए हम इसको डार्ट क्रिएट करते हैं। नॉर्मली प्रिंसेसियम बनानी तो आपको डालनी है, हाँ प्रिंसेसियम बनानी है तो डालनी है, ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। बताओ क्वेश्चन नहीं पूछा तुमने, क्वेश्चन पूछो, देखो और दिखा दो, रिवीजन कराऊं, नया होना चाहिए, देख लो। दो इसलिए डालते हैं जैसे कि हम बड़ी, अभी जैसे चला था लग रहा भूल गए, जैसे ये डाट है ठीक है, ये कितनी है आधा इंच की है, अब किसी ने बोल दी सवा इंच की डाट डालो आप, तो फिर डाट क्या है ऐसे हो जाएगी बड़ी, यहाँ डालोगे तो यहाँ फूल जाएगा, ठीक है, तो बैक में कोई वो नहीं होता और ना तो बॉडी में यहाँ पे कोई बस्ट होती, बस्ट आपकी यहाँ होती है, इसलिए तो बड़ी डाट इसलिए नहीं डालते, अगर इसी चीज को दो जगह डिवाइड कर देंगे तो इफेक्ट कम हो जाएगा, हाँ फैब्रिक उठेगा नहीं, हाँ चोच नहीं बनेगी, क्योंकि डाट बड़ी डाट तो क्या चोच बना, साइड वाली देखिए डालते हो चोच बना देती है, वैसे ही कोई भी बड़ी डाट डालोगे उसकी चोच बना देगी, ठीक है, नहीं तो पेपर लो काटो चेक करो, जो चीज समझ में ना आए, आपको लगता है कि 2% या 1% समझ में नहीं आई, तो उसे आप सोचो कि मुझे समझ में नहीं आया है, ठीक है, बिना समझे कोई हाँ नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूँ, ठीक है, कोई चीज अगर आपको 2% या 1% भी डाउट लगता है कि मुझे चीज समझ में नहीं आई, आप 100 बार पूछो, 100 बार बताऊंगा मैं, ठीक है।